तो दोस्तों आपको क्या पता है कि पिक्सल एलईडी कंट्रोलर किस तरीके से बनता है या फिर कौन से पार्ट यूज़ करे हुए होते हैं? नहीं पता है तो आपको ये भी नहीं पता होगा कोई भी सीएनसी मशीन है या फिर कोई भी डिवाइस है हमारा जो कोडिंग वाला है, जैसे कि फ़ोन हो गया, अदर कोई भी डिवाइस है, वो डिवाइस कैसे बनता है, उसमें आखिर क्या चीज़ लगी हुई होती है। तो दोस्तों मैं आज इसी विषय में बात करने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो की लाइक है मैं 500 लाइक, तो दोस्तों फटाफट से लाइक कर दो और वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों जो भी यार प्रोडक्ट होती है ना, मतलब जो भी डिवाइस होते हैं वो एक कोडिंग से काम करता है। कोडिंग से मतलब कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं, तो एक तो हो गया हमारा पिक्सल एलईडी का कंट्रोलर है, या फिर कोई रिमोट कंट्रोल है, या फिर रिमोट से चलने वाली कोई भी चीज़ है। मान लो कि होम ऑटोमेशन का कोई डिवाइस है कि भाई आपने फ़ोन से यू किया 1 2 3 4, मतलब जो भी आप काम करवाना चाहते हो, उसे ऑन ऑफ करवाना चाहते हो, वो कर सकता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना गाइस, वो कोडिंग के ऊपर काम करती है। और मैं आज आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि भाई जो ये आर्डुइनो कार्ड होता है, वो इसी तरीके से आप भी अपने घर बैठे उसका उपयोग करके आप रिमोटली सब कुछ कर सकते हो, फैन चालू कर सकते हो, ट्यूबलाइट भी ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ तक कि रिमोट कार भी बना सकते हो, आरसी कार, ब्लूटूथ वो भी, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। हालांकि पिक्सल एलईडी का कंट्रोलर भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, तो जिन लोगों को पिक्सल एलईडी का कंट्रोलर बना है, ये बंदे भी ये वीडियो देख सकते हैं। और जिनको रिमोट कार बनाना है या तो फिर रिमोट कंट्रोल से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट है मैंने देखी कि भाई ये प्रोडक्ट कितने में मिलेगी, एप्लीकेशन कितने में मिले, कहाँ मिलेगी। तो गाइस ये चीज़ है कि एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता है, उसका प्रॉपर एक प्रोग्राम होता है, उसका जो डिवाइस होता है उसको डाटा ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो प्रॉपर करना पड़ता है, तब जाके यार ये सब काम करता है। तो हमारे वीडियो है आगे कि भाई बाइक को फ़ोन से कैसे ऑपरेट करें, उसमें भी मैंने कोडिंग ही करा हुआ है। तो गाइस ये आर्डुइनो से ही मैंने बनाया हुआ है, तो ये आर्डुइनो कार्ड है। और इसकी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो आर्डुइनो कार्ड है उसके बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आर्डुइनो कार्ड अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये मेरे जो हाथ में है ये आर्डुइनो ऊनो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऊनो, ये आर्डुइनो ऊनो कार्ड है, ये बड़ा है साइज में, ठीक है, उसमें थोड़ी मेमोरी भी ज़्यादा होती है। और ये जो दोनों एक ही है, और ये जो है वो आर्डुइनो नैनो कार्ड है, इससे भी छोटा आता है, इससे बड़ा भी आता है, मेगा बोलते हैं उसको। तो ये जो चीज़ें हैं ना सब, वो काम एक ही करती है कि उसको आप जो भी कोडिंग देंगे वो अंदर सेव करके उसका जो डेटा है, जो भी डिवाइस बनाए आपने, मान लो कि सर्वो मोटर है तो सर्वो मोटर को ऑपरेट कर सकते हो, आपने कोई रिले स्विच लगाया है तो रिले को ऑपरेट करेगा, ऑन ऑफ करेगा, या फिर स्टार्ट बटन के रूप में काम करेगा। बहुत सारे यूज है इसके गाइस, मैं आपको यहाँ पे नहीं सभी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो आर्डुइनो कार्ड है गाइस, आप नहीं मानोगे, मैंने जब परचेस किया था ना तो मैं यही जानता था कि ये इसको खरीद लो और बस सब कुछ हो जाएगा। फिर यार मुझे पता चला कि भाई यार इसमें तो बहुत झमला है यार, उसमें तो बहुत सारी झंझट है, कोडिंग करनी पड़ती है, लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन आखिर में मैंने इसके पीछे बहुत सारा टाइम खराब किया, खराब तो नहीं बोल सकते, बहुत टाइम लिया इसने, लेकिन आखिर में मैंने कोडिंग सीख ही लिया। तो हमारे बहुत सारे वीडियो है, तो इस जो वीडियो है ना प्रोजेक्ट, ये सब मैंने इसी तरीके से बनाए कोडिंग कर करके। तो गाइस इससे आप है ना जो चाहे कर सकते हो, आपके मन में जो भी विचार है, जो भी मतलब आता है, वो सब कुछ कर सकते हो। और एक तरीके से ये जो डिवाइस है वो कमांड देने का काम करता है, ठीक है, तो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे वो यहाँ पे ये रिलीज़ करेगा। मान लो कि आपने बनाया सीएनसी मशीन कोई, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन, तो ये इसके लिए काम करेगा क्योंकि इसका कोड जो है वो आपने इस तरीके से डाला अंदर। और मान लो कि आपने होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया तब भी ये काम करेगा, और ये जो है वो होम ऑटोमेशन के लिए कोड दिया होगा तो होम ऑटोमेशन के लिए काम करेगा। इसी तरीके से अगर आप पिक्सल एलईडी का कोड इसमें डालते हो तो ये एक बन जाएगा एज ए कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर भी बन सकता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई पिक्सल एलईडी के जो कंट्रोलर होते हैं उसके अंदर 3 वायर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और डेटा। तो यहाँ पे डेटा के पिन कितने गाइस पता है आपको, 1 से लेके 13 तक है, यहाँ से शुरू होते हैं 13 तक डेटा आप निकाल सकते। अभी आप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस उसकी बहुत सारे यूज है,
और ये आज जो मैंने दिया वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर तो हम ट्यूटोरियल बनाएंगे तो लगभग बहुत सारा मतलब वीडियो आ सकता है। एक ही वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा और समझा भी नहीं पाऊँगा। तो गाइस ये जो वीडियो आज का आर्डुइनो के ऊपर था, प्रोग्रामर के ऊपर था, जो आप जो भी चाहो करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो, यही बताना था मुझे, और ये वर्क करता है कोडिंग से। तो गाइस आपको लगता है कि इसका पार्ट टू बनाना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कोडिंग वगैरह कहाँ से लानी है, कैसे बनानी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बनाओ कि पार्ट टू इसका आपको चाहिए। और अगर 500 लाइक हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट टू ला ही दूंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें रुचि है, आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और गाइस मैं है ना बहुत दिन से डीएक्टिव था, मतलब बहुत दिन से नहीं, 2 महीने से वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए सॉरी यार। अभी हमारा रेगुलर आ जाएगा वीडियो, ठीक है, तो इसके लिए दिल से सॉरी यार, क्योंकि बहुत झमेला हो गया था, इधर बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं ब्लॉग में डालूंगा, लेकिन अभी है ना टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। तो यार आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगा। अच्छा ही लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।